खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। हाईवे पर खुली कार में डांस कर रही थी दुल्हन, खिड़कियों पर लटके थे रिश्तेदार, हादसे में छीनी खुशियां। चलिए पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। कहां से ये मामला आ रहा है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इन वीडियो को भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है, इस हादसे से सब लोगों का दिल पसीजा जा रहा है। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रहा है, जहां पर दिल्ली जून हाईवे पर मंगलवार देर रात को एक्चुअली में एक बारात जा रही थी, और उस दौरान ही वहां पर गाड़ी की जो कि विंडो होती है, जो कि ऊपर वाली विंडो रहती है, उसको ओपन करके जो दुल्हन है वो खड़ी होकर डांस कर रही थी। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, और उस दौरान ही जो रिश्तेदार थे वो खिड़कियों पे भी लटके हुए थे, वीडियोस बना रहे थे, और कुछ रिश्तेदार जो है वो गाड़ी से उतर के वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गए, और उस दौरान वीडियो बनाने शुरू हो गए, और इस दौरान ही एक बड़ा हादसा हुआ। ये जितनी भी खुशी थी वो एक्चुअली में गम में बदल गई। दूर दूर तक हाईवे के ऊपर रिश्तेदारों के खून के जो ड्रॉप्स है वो गिरे पड़े, फटे हुए कपड़े हर जगह पर गिरे हुए, चप्पलें हर जगह पर गिरी हुई, और इसके बाद काफी सारे लोग घायल हो गए, क्योंकि सामने से एक गाड़ी आई जो कि इन लोगों को रौंदते हुए ले गई, और उस दौरान ही जो वीडियोस बनी उसमें से वो गाड़ी भी कैप्चर हो गई। हालांकि अभी पुलिस का कहना यह है कि उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जल्द से जल्द जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तब गांव वाले मौके पर पहुंचे, और सब लोगों ने घायल अवस्था में जितने भी लोग थे उनको जल्द से जल्द निजी हॉस्पिटल में पहुंचाया, पर कोई भी उनको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। पर उसी के साथ साथ ये भी चीज बताई जा रही है कि एक हॉस्पिटल जो कि एक्चुअली में भोपा रोड स्थित है, वहां पर उन्होंने इन सब घायल जो कि मरीज थे उनको एडमिट कराया, उनको इलाज किया, पर उसके बाद सब लोगों को रेफर कर दिया गया आगे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को पटियाले ले गए, और कुछ लोग चंडीगढ़ PGI ले गए, और उस दौरान ही उनका वहां पर इलाज चल रहा है। अभी ये चीज बताई जा रही है कि इस दौरान 55 साल के जो कि एक व्यक्ति थे जो कि शादी में मौजूद थे, उनकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। अभी पुलिस का कहना यह है कि उस गाड़ी वाले को अभी पकड़ लिया गया है, और जिसकी मौत हो गई है उसको मोर्चरी भेज के उसका पोस्टमार्टम करवाया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को उनका शव दे दिया गया, और परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार अभी तक कर दिया है। पर आगे की जो अपराधी पकड़ा गया है उससे पूरी पूछताछ चल रही है, और उसको जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।